जय हिंद दोस्तों, टॉप करने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में फास्ट कैसे लिखे। देखिए हमारा कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वह पढ़ाकू हो चाहे वह कमजोर हो, सबके अंदर एक डाउट होता है कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे, यानी जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या हम समय पर अपनी कॉपी को कम्प्लीट कर पाएंगे। हाँ, उनके अंदर टॉपिक रहता है कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या हम समय पर जो है अपनी कॉपी कम्प्लीट कर पाएंगे, या जो है हमारा कहीं पर कोई प्रश्न जो है या उत्तर हमें छूट जाए। तो देखिए अब यह क्वेश्चन जो है एक नॉर्मल है और हर एक स्टूडेंट सोचता है कि कहीं हम जो है वो गलती ना कर दें। कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे वो उनकी कितनी भी हैंडराइटिंग सही हो, लेकिन वो डर जो है उनके अंदर जो है क्या होता है, हमेशा भरा रहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है हम कम समय में, यानी एग्जाम में जो है हम जो है किस तरह से कम समय में और बेहतरीन, यानी कम समय में बेहतरीन तरीके से जो है लिख सकते हैं। बस आपको जो है तीन चीज को फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो है तीन चीज के बारे में बताऊंगा, यानी तीन तरीकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी आपको जो है परेशानी होने वाली नहीं। और यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हीं तीन चीजों को नहीं जानते और वे जो है हमेशा गलतियां करते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए बहुत सारे बच्चे बेल वाला जो आइकन है उसे नहीं प्रेस करते, लेकिन ये गलत काम। अगर आप उसे नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप जो है इसी प्रकार की हमेशा गलतियां करते दोहराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पेन। आप किस प्रकार का पेन चूज करते हैं, यानी आप जो है किस प्रकार का पेन चूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जो है बोर्ड के समय जो है नए नए जो है 400-500 के क्या ले लेते हैं, पेन लेते हैं, या नए नए जो है जितने भी हमारे महंगे पेन होते हैं उन्हें ले लेते हैं। पहली बात तो आपको जो है इन महंगा पेन को नहीं लेना, पहली बात आप ध्यान में रखिए, पहले आप समझिए कि आपको जो है इन महंगे पेनों को नहीं लेना। और दूसरी बात, बोर्ड के समय कोई भी एग्जाम हो, आपको जो है पहले दिन आपको जो है नया पेन नहीं ले, आपको वो पेन लेना ना जा जो आप यूज करें। ये नहीं कि आप जा रहे हैं पेन खरीदने तो एक न्यू पेन ले लिए कि आज मैं इससे लिखूंगा, नहीं नहीं ये आप गलती मत करिए। क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो नया पेन होगा तो उसकी जो आपकी स्पीड होगी बहुत ही नॉर्मल होगी, और बहुत ही उसका जो राइटिंग का वर्क होगा बहुत ही डिम होगा, तो आपको ये भी परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात कि आप जो है पेन का जो है कैप, यानी पेन का जो है कैप है उसे भी उसे क्या कर दें, उतार दें, उसे क्या कर दें, उतार दें। आपको जो है इस प्रकार की गलती नहीं, उसे क्या कर दें, उतार दें। मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ। देखिए क्या है, पेन है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसको जो है ऐसे लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इससे क्या होगा आपका वजन हो जाए, और वजन हो जाने के कारण क्या होगा आपका हाथ दर्द। तो आपको क्या करना, इसे अवॉइड कर देना, इसे ऐसे कर देना, उस प्रकार से लिखना है। और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके आप जो है ये तीन वाली पेन देख रहे हैं ना कितनी अच्छी होती है, आप इसी ब्लैक और नीले का यूज करें। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपका हाथ भी नहीं दर्द होगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो आप लोग जितना हो सके इन गलतियों से क्या करें, बचें। आप महंगी पेन मत ले जाइए, न्यू पेन मत ले जाइए, और जितने भी हमारे कैप होते हैं पेन के उन्हें अवॉइड कर दीजिए। आप जो है इस प्रकार का देख सकते हैं कितने वैरायटी के पेन है, लेकिन आपको गलती नहीं, आपको जो है इसे और इसे, ये दो है दो पेन को क्या करना होगा, ले जाना होगा। इन दोनों को क्या कर दी, अवॉइड कर दीजिए, इन दोनों को आप ले जाइए और खूब बढ़िया लिखिए। अब पेपर से जो है एक दो दिन पहले इन्हें थोड़ा बहुत लिख कर अभ्यास कर लीजिए, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे और आपका जो है पकड़ जो क्या हो वो मजबूत हो। तो आपको जो है चूज योर राइट पेन एंड पेंसिल, आपको जो है बढ़िया से पेन और पेंसिल यूज करना होगा, ना कि महंगा और ना ही न्यू पेन ना ही क्या। तो आप इन गलतियों से बचे, नहीं तो आपका क्या होगा वो आप ही जानेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम में एक घड़ी जरूर लेकर जाए, मैं कहना चाहूंगा। देखिए घड़ी ले जाना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घड़ी ले जाएंगे तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को अपने समय के अकॉर्डिंग जो है कर पाएंगे। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे अगर वॉच नहीं ले जाते हैं तो वो जो है समय का उन्हें जो है ज्ञान नहीं रहता और वो जो है लगातार लिखते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं था कि हमें
किस क्वेश्चन को कितना उस समय देना है। अगर आपको ये जब पता ही नहीं है तो आप बताइए आप कैसे वहां पर काम करेंगे। हाँ, जब आपको पता ही नहीं कि हमें इस क्वेश्चन पर जो है 10 मिनट टाइम देना है, मुझे इस क्वेश्चन पर जो है 5 मिनट टाइम देना है, तो आप जब ये सब मालूम नहीं रहेगा तो आप जो है कैसे वहां पर एक समय के अनुसार अपना कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं, तो आपको जो है समय अनुसार एक घड़ी ले जाना होगा ताकि आपको जो है लिखते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है घड़ी तो पक्का ले जाना चाहिए। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा। इससे क्या होगा, आपने क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार जो है अपना सॉल्व करते रहेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरूर से जरूर वॉच ले जाइए। उसके बाद जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्पीड एंड प्रैक्टिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी आप घड़ी ले जाइए और कितना भी आप पेन का यूज करिए, लेकिन आपको जो है घर पर एक बार प्रैक्टिस तो करना ही होगा। आपको जो है प्रैक्टिस को करना ही होगा और इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो तो इंक्रीज होगा, साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है कि मैं इतने घंटे में इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ वो क्या होगा, आपका बूस्ट होगा। तो मैं पहली मेन बात, आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होगा, बूस्ट होगा। और दूसरी बात देखिए, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप स्पीड से लिखेंगे तो आप जो है राइटिंग, आपका जो है राइटिंग क्या होगा वो जो है खराब नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही अभ्यास कर चुके हैं तो आपको जो है मालूम है कि हमें कहाँ किस प्रकार लिखना है, कहाँ थोड़ा में ब्रेक देना है, कहाँ में फास्ट करना है। तो आपको जो है इस प्रकार का स्किल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगा कि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आपको जो है प्रैक्टिस पर पूरी फोकस के साथ करना होगा, क्योंकि आपको अपना आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा। नहीं तो आप जो है एग्जामिनर में प्रेशर के चक्कर में जो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, उनकी राइटिंग देखेंगे तो आपका भी सर चकरा जाए। तो आपको जो है इस प्रकार की गलती नहीं करना होगा। आपको जो है एक पेन और रफ ले लेना है, डेली आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। देखिए बड़ा मंजिल के लिए आपको बड़ा मेहनत भी करना होता है, तभी वो जो है आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो डेली जो है आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है स्पीड भी बढ़ेगा और आपका जो है राइटिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीड और प्रैक्टिस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो है इन तीन बातों को जरूर से जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या गलतियों से बचना होगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है इन तीनों गलती को मत करें। और अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।